हेलो एवरीवन। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सर यार गुड मॉर्निंग। मैं गुड मॉर्निंग। बोल तुम्हें और ये दिया सबकी। हाँ सर। ये हेलो हाँ सर भैया पूरे मूड में है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जो हमारा पुराना था उसको हम रिपीट कर लेते हैं। पहले तो हमारा जो कल हुआ था वो हमारा ब्लॉन्डर कितना लेवल लिफ्टिंग करता है, ठीक है, क्या उसका मिक्स रेशियो होगा, वो सब था। आप सभी को चैट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। जिसको नहीं आता है वो चैट बॉक्स को पढ़ सकता है कि कौन क्या आंसर देना है, ठीक है। मैंने आपको मिक्सिंग रेशियो कलर ट्यूब का भी बताया था। तो कलर ट्यूब का मैंने आपको तीन मिक्सिंग रेशियो बताए थे, ठीक है। तो जो वो तीन मिक्सिंग रेशियो है वही सारी जितने भी ये ब्रांड है ना उनमें से एक ब्रांड का वो मिक्सिंग रेशियो मिलेगा आपको, ठीक है। तो कौन कौन सा था वो मिक्सिंग रेशियो? कलर ट्यूब और डिवेलपर का। जब हम कलर ट्यूब को अकेला तो यूज नहीं करेंगे, उसके साथ हमें डेवलपर मिक्स करना है। तो कलर ट्यूब और डेवलपर का मिक्सिंग रेशियो क्या रहेगा? तीन बताया था मैंने, तीनों। एक साथ लिखो, अलग अलग मत लिखो, ऐसा लगता है जैसे आपने एक ही बताया। चाहे ग्लोबल है, चाहे हाइलाइटिंग है, कुछ भी है, मिक्सिंग रेशियो आपका सेम ही रहता है जो ब्रांड कहती है। अगर आपके लॉरल ने बोला है कि 1:1.5 है तो 1:1.5 रहेगा। अगर लॉरल ने कुछ कलर ट्यूब के लिए बोला है 1:2, 1:2 रहेगा। तो तीन मिक्सिंग रेशियो होता है, 1:1, 1:1.5, 1:2, ठीक है। स्टार्टिंग का क्या होता है हमारा? कलर ट्यूब। और इधर वाला क्या होता है हमारा? डेवलपर। तो 1:1, 1:1.5 और 1:2, ये हमारा मिक्सिंग रेशियो रहता है। और ये आपको इससे ज्यादा आपको मिक्सिंग रेशियो नहीं मिलेगा कि 1:3 या 1:4, ठीक है। ब्रांड जो भी यूज करता है या फिर वो करेगा 1:1 या 1:1.5 या फिर 1:2, यही यूज होता है। दूसरा ब्लॉन्डर और हमारा क्या था? डेवलपर, ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था। तो ब्लॉन्डर प्लस डेवलपर का हमारा मिक्सिंग रेशियो क्या रहेगा? 1:1.5 या फिर 1:2। बिल्कुल 1:2 या फिर 1:1.5। 1:3 भी करते हैं पर वो ज्यादा थोड़ा सा पतला हो जाता है। कर सकते हैं, कब करना है वो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। बस फिलहाल आपको कभी भी हाइलाइटिंग करनी है, कभी आप भी आपको बलियाज टेक्निक करनी है तो आप करोगे 1:1.5 या फिर 1:2। और 1:2 आपका बेस्ट है, ठीक है। और ये आपका ब्रांड नहीं बोलता, ब्रांड नहीं बोलेगा कि आप इसका मिक्सिंग रेशियो इतना रखो इतना रखो, ठीक है। वो आपको हमेशा दो या तीन मिक्सिंग रेशियो बताता है। तो वो अब आपको देखना है कौन सा आपके लिए सही रहता है। तो 1:2 सही है, 1:2 आप हर एक ब्रांड के साथ कर सकते हो, ठीक है, तो बेस्ट है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा थोड़ा कलर ट्यूब के ऊपर जाएगा वापस। और मुझे लगता है कभी कभी आप वीडियोस ही नहीं देखते, आप कभी कभी क्लास को अगर छोड़ देते हो ना, अगर आपकी आज क्लास आपने नहीं ज्वाइन किया तो कल जो मैं रिकॉर्डिंग वीडियो आपको शेयर करता हूँ ना उसको पूरा देखा करो, उसमें आप स्किप कर करके मत देखा करो। क्योंकि अगर आपने 30 सेकंड भी
अगर स्किप कर दिया ना, हो सकता है आपका मेन पॉइंट रह जाए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी स्टूडेंट कॉल करते हैं कि मतलब ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा वीडियो को देखना है, अगर आपने क्लास को ज्वाइन नहीं किया प्रॉपर देखा करो उसको, आप आगे मत बढ़ाना कभी भी आप, वरना फिर सीखते रहोगे कल, ठीक है। आपको सीखना कब तक है? मैं 24 डेज मांग रहा हूँ आपसे, और उसके बाद आपको सिर्फ टेक्निक देखनी है, ठीक है, कौन सी टेक्निक कर रहे हैं कैसे, वरना आप सीखते रहोगे, बेसिक बेसिक एडवांस सीखना स्टार्ट करोगे फिर उसके बाद। कलर ट्यूब्स जो है, इसका जो नंबरिंग सिस्टम होता है आपने देखा होगा, मैंने आपको कुछ कलर ट्यूब्स भी आपको दिखाया था, जैसे 7.23, 7.23 हो गया, 8.31, ऐसी हमारी बेस कलर ट्यूब भी आती है, जैसे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, वो हमारी बेस होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसा अभी मैंने आपको बताया है 7.23, तो 7 आपका क्या होगा, ये बेस होगा, पॉइंट क्या आपका, पॉइंट के बाद क्या है 2, और उसके बाद क्या है 3, तो इसमें क्या आ गया आपका, वॉलेट भी है और गोल्ड भी है। अब कितना परसेंट गोल्ड है कितना परसेंट वॉलेट है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बेस कलर की बात करूं, जो हमारे बेस होते हैं नॉर्मल बेस कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, या हमारे क्या है खाली बेस है, कोई ये फैशन शेड नहीं है, 1 से लेके 10 नंबर तक आपके ये सारे बेस कलर ही रहते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये कलर ट्यूब है, तो जी ये कलर ट्यूब है, ये आपके पास बेस कलर ट्यूब है, जैसे 3 नंबर, 4 नंबर या फिर 5 नंबर, तो ये कलर ट्यूब क्या है आपकी, इसके साथ पॉइंट लग रहा है, पॉइंट एक भी नहीं है, सिर्फ क्या है बेस है। तो इसके अंदर जो आपकी पूरी कलर ट्यूब होती है 100% बेस है, पूरी कलर ट्यूब के अंदर आपको बेस कलर ही मिलेगा। अगर वो 3 नंबर है तो 3 नंबर का ही कलर मिलेगा, 3 नंबर का नेचुरल जो हेयर होता है ना उस टाइप का आपको 3 नंबर मिलेगा, कोई इसके अंदर रेड, कोई गोल्ड, कॉपर, इस टाइप का इसके अंदर रिफ्लेक्शन नहीं है। अगर आपको ऐसी कलर ट्यूब मिलेगा देखने को, जैसे 5.5, ठीक है, जैसे मैंने अभी दिखाया था 7.23, 8.31, तो ये आपकी कौन सी कलर ट्यूब हो गया, फैशन शेड हो गया। यहां पर आपकी कौन सी डिजिट है, सिंगल डिजिट है, वहां पर आपकी डबल डिजिट हो चुकी है, तो यहां पर अभी फिलहाल हम सिंगल डिजिट को लेते हैं, 5.5, 6.3, 6.1, तो ये आपकी एक फैशन शेड है। 0.5 के बाद क्या है, रिफ्लेक्शन है, यहां पर कौन सा रिफ्लेक्शन है, महोगनी। 0.3 एक रिफ्लेक्शन है, कौन सा है, गोल्ड। 0.1 कौन सा रिफ्लेक्शन है, एस, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसी कलर ट्यूब मिलेगा जिसमें एक फैशन शेड हो, मतलब एक डिजिट रिफ्लेक्शन की हो, वो आपका रहता है 80% बेस और 20% रिफ्लेक्शन। अगर आपकी है 5.5 कलर ट्यूब, तो उसके अंदर 5% क्या है, सॉरी 0.5 क्या है आपका, 20% महोगनी है। अगर आपके पास होता 6.3 कलर ट्यूब, तो आपका जो 0.3 है गोल्ड जो है वो कितना है, 20%। यहीं पर अगर आपके पास होती 6.1 कलर ट्यूब, तो आपका 6.1 कलर ट्यूब के अंदर एच कलर कितना परसेंट है, 20%, बाकी का 80% आपका बेस रहता है। यहीं पर ही हम डबल डिजिट ले लेते हैं, जैसे 6.62, ठीक है, 7.23, 9.31,
1:2, तो हमने ये कलर ट्यूब लिया है, तो इसके अंदर आपको अब आप कौन से डिजिट नजर आ रही है, दो डिजिट नजर आ रही है, ठीक है, 0.62, 0.23, ऐसे ऐसे डबल डिजिट है। तो कभी भी आपको ऐसी डिजिट मिलेगी जो आपके जिसके अंदर दो होगा, तो उसके अंदर 50% है आपका बेस, इसको हम बेस कहेंगे, बेस है ये, ठीक है, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो पहले डिजिट होती है आपका बेस, उसके बाद पॉइंट के बाद वाला जो पहली डिजिट होगा, ठीक है, 6 हो गया, 6 के बाद जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद आपका पहला जो है वो आपका होता है प्राइमरी, फिर उसके बाद है सेकेंडरी, ठीक है, फर्स्ट बेस, क्योंकि वो बेस है आपका, पॉइंट के बाद आपका 6 प्राइमरी, उसके बाद क्या आपका 2 सेकेंडरी। तो यहां पर जो आपका प्राइमरी होता है वो आपका ज्यादा होता है, पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट होगा वो आपका हमेशा ज्यादा रहेगा। तो 30% आपका रहेगा यहां पर 6, 0.6 आपका क्या है 30% है, और 20% आपका क्या है 0.2, ठीक है, ये रेड हो गया और ये वॉलेट, ठीक है, 6.62, 6 आपका है, 0.6 आपका है 30%, और आपका जो वॉलेट है इरिडिसेंट है वो आपका है 20%। अगर हम लेते इसको 7.23 को, तो पॉइंट के बाद जो 2 है वो होता आपका 30%, और उसके बाद जो 3 है गोल्ड जो है वो आपका होता है 20%, ठीक है। तो जो आपका पॉइंट के बाद वाला जो बीच वाले डिजिट होती है वो आपका ज्यादा रहता है दूसरे के अकॉर्डिंग। अब यहां पर हम एक और चीज ऐड कर लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि आपको हमेशा अलग डिजिट मिले, जैसे 6.62, ठीक है, 7.23, कभी कभी आपको डबल डिजिट भी देखने को मिलेगा, जैसे 7.44 सेम डिजिट हो गया, ठीक है, 5.66 सेम डिजिट हो गया ये भी। तो ऐसे डिजिट जब आपको मिलेगा तो आपका ये जो कलर ट्यूब रहता है ये आपका ट्रू में हो जाता है, 4444 है तो आप इसको क्या बोलोगे, ट्रू, ठीक है, पॉइंट के बाद जो भी आपको नजर आएगा तो ट्रू में आ जाएगा। तो ट्रू क्या है, ये कोबर, तो उसको बोलेंगे हम ट्रू कोबर। पॉइंट के बाद क्या है, 6, तो 6 क्या होता है आपका, रेड होता है, तो 0.66 क्या आपका ट्रू है, तो ट्रू रेड, ठीक है। तो ऐसी कलर ट्यूब जो होती है ये आपका ट्रू में आ जाती है, और फर्स्ट का तो सबका बेस ही रहेगा, ठीक है, ये आपका बेस है। तो इसके अंदर आपको मिलेगा, जब भी आपको ऐसी कलर ट्यूब देखने को मिलेगा, तो 50% आपका होता है बेस और 50% आपका होगा रिफ्लेक्शन। तो कॉपर आपका कितना है 50%, अगर यहीं पर ही रेड को लेके चले तो कितना है 50%, अगर यहीं पर हम गोल्ड को ले ले तो 50%, ठीक है। तो 50% बेस है और 50% कॉपर है, या फिर 50% रेड है, कुछ भी आपने जो भी आपने कलर ट्यूब लिया, तो हाफ हाफ हो गया। और यहां पर क्या था हमारा, हाफ हाफ हो गया था रिफ्लेक्शन, ठीक है, 30% रेड ने ले लिया था, 20% वॉलेट ने। अब आपके पास ऐसा कलर ट्यूब भी मिलेगा जिसके अंदर आपको 0 नजर आएगा, जैसे 3.0, ठीक है, या फिर 4.03 या 6.04, 0.3 को छोड़ देते हैं, तो आपको ऐसी कलर ट्यूब भी मिलेगा देखने को, 4.03, 6.04, ठीक है। तो कभी भी आपको 0 जो नजर आएगा ना, तो 0 0 एक ऐसा, सिर्फ देखने में और सुनने में ही ऐसा लगता है कि ये 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर 0 जिसके आगे लग जाता है ना, उसकी पावर को बहुत ज्यादा बना देती है। जैसे आपके पास है 10 रुपीज, ठीक है,
सिर्फ आपके पास 10 रुपीज है, सिर्फ 10 रुपए आपके पास, और जैसे आपने इसके आगे जीरो लगाया तो क्या हुआ, 10 से 100 बन गया वो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमने इसके आगे एक और जीरो लगाया तो क्या हुआ, इसकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो ऐसे ही हमारा जो कलर ट्यूब के अंदर जो जीरो होती है, जीरो का वैल्यू है, जीरो जिसके आगे लग जाएगा उसकी पावर को बढ़ा देता है, और जिसके पीछे लग जाता है उसकी पावर को कम कर देता है। तो अभी हमारा जो जीरो है वो किसके आगे है, 4.03, 6.04, तो सबसे आगे कौन सा है, किसके आगे जीरो है, 4 के आगे, ठीक है। जैसे ये हमारा 4 है और ये हमारा 0 है, तो 4 के आगे हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। तो 4 के आगे 0 तो अब किसकी पावर को बढ़ाएगा, 4 की पावर को ही बढ़ाने वाला है, और 3 की पीछे है, ठीक है। मैंने आपको बोला था जिसके आगे लग जाते हैं उसकी पावर को बढ़ा देता है, और जिसके पीछे होती है उसकी पावर को कम कर देता है। तो यहां पर 4 के आगे है तो 4 की पावर को बढ़ाएगा ये, 6 के आगे है तो 6 की पावर को बढ़ाएगा ये, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी कलर ट्यूब देखने को मिलेगा तो आपका ये जो कलर ट्यूब होती है 90% इसके अंदर बेस होता है, ठीक है। सिर्फ 10% आपका होता है रिफ्लेक्शन, जैसे हम ले लेते हैं 0.3, ठीक है, 0.3। तो आपका क्या है, 10% रिफ्लेक्शन है और बाकी का 90% क्या है, बेस है। तो ऐसी कलर ट्यूब के अंदर आपको बेस ज्यादा मिलेगा, रिफ्लेक्शन बहुत कम मिलेगा, बहुत हल्का सा मिलेगा। यहीं पर ही अगर हम याली कलर ट्यूब की बात करते, 5.5 की बात करें, तो यहां पर आपको 80% मिल रहा है बेस और 20% मिल रहा है मोहगनी, तो आपको इससे आधा मिलेगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा अगर आपको रिफ्लेक्शन दिखाना है, जैसे 4.03 क्या हो गया आपका, थोड़ा सा लाइट सा दिखेगा, और यहीं पर अगर आप लेते 4.3 तो आपको वहां पर गोल्ड कलर ज्यादा नजर आता है। अगर आपको उसके बाद करना है, मतलब और भी ज्यादा चाहिए, तो आप यहाँ पर ट्रू में जा सकते हो। अगर आप लेते हैं यहाँ पर 4.33 तो आपको 50% आपको गोल्ड कलर मिलता है। अब आपको ऐसी कलर ट्यूब भी देखने को मिलेगा जिसके रिफ्लेक्शन के आगे होगा। अभी तो हमने बेस के आगे कर दिया था, तो अब हमारा जो जीरो होगा वो हमारा रिफ्लेक्शन के आगे मिलेगा आपको। जैसे 6.60, 5.50, या फिर 4.00, या फिर 3.00, ठीक है। 6.60, 5.50, 4.00 या 3.00। अब क्या है हमारा, ये जीरो किसके आगे है, यहाँ पर जीरो है 6 के आगे, यहाँ पर है 5 के आगे, वहां पर है 4 के आगे, ठीक है, वहां पर है 3 के आगे। तो कभी भी हमारी जीरो जिसके आगे लगती है उसका पावर को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ऐसी कलर ट्यूब का आप बोलोगे 90% आपका रहेगा ये रिफ्लेक्शन। जैसे है 0.60, तो 60 जो आपका रेड होगा ना बहुत ज्यादा उसके अंदर, ठीक है। एक तरीके से आप मान सकते हो सिर्फ 10% आपका वहां पर बेस मिलेगा आपको, ठीक है, बाकी सारा आपका क्या है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन है। और बेस मिलेगा सिर्फ आपको 20%, सॉरी जिसमें ना 80% होता है, सॉरी, बेस मिलेगा 20% और रिफ्लेक्शन मिलेगा आपको 80%। तो ऐसी कलर ट्यूब के अंदर आपको 80% रिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो 80% बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसको आप बोलोगे, जब आपके पास 4.03, 6.04 आएगा तो इसको बोलते हैं आप नेचुरल, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत हल्का मिलता है। तो नेचुरल गोल्ड, नेचुरल कॉपर, और यहां पर आप बोलोगे इंटेंस, ठीक है, इंटेंस है क्योंकि बहुत ज्यादा रेड है, तो आप बोलोगे इंटेंस रेड। ये आपको नॉर्थ में मिलेगा, ठीक है, आप कल ही मत मांगने रख देना, नॉर्थ जो भी देते हैं हम वैसे लास्ट में देते हैं। इंटेंस रेड, ठीक है, यहां पर आ गया,
इंटेंस मॉर्निंग, इंटेंस डेज, मतलब जैसे ब्राउन है तो आपका क्या होगा, इंटेंस ब्राउन। थ्री है तो क्या होगा, इंटेंस डार्क ब्राउन। तो ये आपको कलर टीप ऐसी देखने को मिलता है। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आपको चैट बॉक्स के अंदर आंसर देना है। अगर आपको क्लाइंट का बहुत कम गोल्ड कलर दिखाना है, ठीक है, 6 लेवल के ऊपर क्लाइंट को गोल्ड कलर चाहिए और बहुत लाइट सा कलर चाहिए, रिफ्लेक्शन जो चाहिए गोल्ड की बहुत कम चाहिए, तो आप यहाँ पर कौन सी कलर ट्यूब वाली लोगे, कौन सा नंबर लोगे? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आप कौन सी कलर ट्यूब लोगे, 6.03। तो 0.3 क्या आपका नेचुरल, ठीक है, क्योंकि 10% ही इसमें रिफ्लेक्शन है सिर्फ। तो आपको अगर हल्का सा रिफ्लेक्शन चाहिए होगा गोल्ड का तो आप लोगे 6.03। अगर यहीं पर ही क्लाइंट कहता है कि मुझे 6 नंबर पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, ना गोल्ड ना कॉपर, तो अब आप कौन सा कलर ट्यूब लोगे, 6 नंबर। 6 नंबर के आपका बेस है, पूरा ही बेस है। वहीं पर ही अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे गोल्ड की रिफ्लेक्शन चाहिए, वो मुझे बहुत ही ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो अब आप कौन सी कलर ट्यूब लोगे? बिल्कुल 6.30। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको ऐसी कलर ट्यूब नहीं आती, ऐसा होता है पर, ठीक है, 6.30। तो 3.0 आपका क्या होगा, अब गोल्ड क्या है आपका, 80% इसके अंदर क्या है, रिफ्लेक्शन है, और 20% इसमें क्या है, बेस है। तो आपका ये क्या है, प्योर कलर ट्यूब है एक तरीके से, आपका ये ज्यादा इसमें रिफ्लेक्शन मिलेगा। यहीं पर ही अगर आपका ये क्लाइंट कहता है कि मुझे ज्यादा भी नहीं चाहिए, एक मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, मुझे हाफ में चाहिए, तो हाफ का क्या होता है, जैसे 6.33, ठीक है, और 6.3 भी होता है। तो ऐसे आपका ये जो आपके कलर ट्यूब मिलता है ना, तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन ऐसे मिलता है। अब आपको देखना है, जैसे मैं आपको बोलता हूं, जैसे मैंने लिया 6.34, तो अब क्लाइंट के बालों पे सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कौन सी नजर आएगी, अगर आप 6.34 लोगे, ज्यादा रिफ्लेक्शन कौन सी नजर आने वाली है, गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड क्या है, 30% है, ठीक है, कॉपर वहीं पर ही है, क्या है, कम है, तो कॉपर क्या है, 20% है। तो क्लाइंट के बालों पे जब आप 6.34 करोगे ना, तो वहां पर आपको गोल्ड की रिफ्लेक्शन ज्यादा नजर आएगी, कॉपर की कम आएगी। अगर वहीं पर ही आपका क्लाइंट कहता कि मुझे कॉपर ज्यादा नजर ज्यादा चाहिए, तो वहां पर आप इसको उल्टा कर सकते थे, आप येली कलर ट्यूब ले सकते थे 6.43। अब यहां पर क्या होगा, कॉपर की रिफ्लेक्शन आपको ज्यादा नजर आएगी, गोल्ड की आपको कम नजर आएगी। तो किसी का कोई इसके अंदर से डाउट हो तो वो मेरे से क्लियर कर सकता है, जितना मैंने पढ़ाया है उसके अंदर से चैट बॉक्स में पूछिए, फिर मैं आपको एक बार लास्ट में अनम्यूट कर दे। क्लियर, ओके, 6.30 रिपीट, ओके। बिल्कुल, थोड़ा बहुत अलग होता है, जब हम ब्रांच की नॉलेज करेंगे ना स्टार्ट, तो आपका और भी चीजें क्लियर होगा। 6.00 और 6 में, ओके, क्या अंतर है मैं बताता हूँ, देखो मैंने आपको बोला है कि 0 जिसके आगे लग जाते हैं ना, उसकी पावर को बढ़ा देती है। जैसे 6.60 मैंने आपको बोला था, तो 0 किसके आगे है, रेड के आगे है। तो यहां पर आपका जो रेड है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर आपका इंटेंस हो जाएगा, ठीक
इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस रेड। तो इंटेंस रेड आपका क्या है, मतलब रेड कितना है, 80%। 80% आपका क्या है, सिर्फ रेड रेड है, और 20% बेस है। ठीक है, वहीं पर ही अगर आपकी ऐसी कलर ट्यूब होती 6.600, तो अब क्या आपका 6.600 ये आपका प्योर कलर ट्यूब है, इसके अंदर तो बेस ही नहीं है, बेस तो जीरो है ही नहीं, कुछ भी बेस नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऐसी कलर ट्यूब जब मिलेगा आपको, जैसे 0.600 या फिर 0.6, ठीक है, 0.600 हो गया, या फिर 0.88 हो गया, या फिर 0.22 हो गया। तो ऐसी जब आपको कलर ट्यूब मिलेगा ना, तो ये इसके साथ तो बेस ही नहीं होता। तो जब आपको ऐसी कलर ट्यूब देखने को मिलेगा, तो ये समझ जाना ये आपकी प्योर कलर ट्यूब है, ये आपका प्योर आपका वॉलेट है, ठीक है। या फिर अगर आपके पास ब्लू है तो प्योर ब्लू है, तो वहां पर आपका बेस नहीं है। तो इसको आप रिफ्लेक्शन के लिए ऐसे यूज ही नहीं करोगे कि हाँ आपने प्री लाइट किया और आपने कलर डिपॉजिट कर दिया, ऐसे नहीं करना। इसका यूज करने का तरीका अलग होता है, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता भी नहीं रहा था, ठीक है। तो यह हमारा अलग रहेगा, अभी फिलहाल हम जो जो भी मैंने आपको बताया सिर्फ उतने पे ही ध्यान दो। और जो भी हमारा बूस्टर जो कलर्स होते हैं, ये कैसे मिक्स करना है, थोड़ा सा ये एडवांस में जाएगा जब आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। तो आज हमने रिफ्लेक्शन को समझा, बेस को समझा, थोड़ा सा आज हम प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। तो आज जो हम कलर ट्यूब ले रहे हैं, वो हम वैलर के ले रहे हैं, 7 स्टॉक 3 7, ठीक है। अब 7 स्टॉक 3 7 क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्या होता है 7 स्टॉक 3 7। सेवन स्टॉक थ्री सेवन, पहले तो हम इसको ये भी देख लेते हैं, 7 क्या है, हमारा बेस है। स्टॉक के बाद 3 क्या है, हमारा गोल्ड है। तो गोल्ड हमारा कितना है, 30%। उसके बाद है 7, 7 क्या है हमारा बताओ, मैट, मैट नहीं होता। 7 क्या है हमारा ब्राउन, बिल्कुल। अब ये भी बताओ, ब्राउन हमारा 7 तो है, ये तो चलो आपने बता दिया, मैंने ही बता दिया गोल्ड, ठीक है। 7 किन कलर से मिलके बना है, मैंने ये चीज बिल्कुल बताया था आपको कि इसको तो बिल्कुल ज्यादातर ध्यान रखना आपको। तो 7 हमारा किन कलर से मिलके बना है, रेड येलो एंड ब्लू, ठीक है। तो 7 बना है हमारा रेड येलो एंड ब्लू। तो हम कलर ट्यूब कौन सी यूज कर रहे हैं, 7 स्टॉक 3 7। तो हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्शन कैसा नजर आना चाहिए, आपको क्या नजर आ रहा है, अगर हम 7 स्टॉक 3 7 लेते हैं तो आपके माइंड में क्या चल रहा है कि किस टाइप का रिफ्लेक्शन यहाँ पर मिलेगा हमें। सबसे पहले आपको 7 बेस याद करना है कि 7 नंबर का नेचुरल शेड कहां तक होता है, ठीक है, वो आपने याद किया। उसके बाद आपने देखा कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कौन सा है, एक तो हमारा गोल्ड हो गया जो हमारा 30% है, उसके बाद हमारा 7 के अंदर भी गोल्ड आ रहा है, ठीक है। यहां पर हमारा क्या हुआ, गोल्ड ज्यादा नजर आने वाला आपको, और उसके अंदर आपको क्या है, रेड भी नजर आ रहा है और ब्राउन भी नजर आ रहा है, सॉरी ब्लू, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, ये आपका जो कलर होगा इसके अंदर गोल्ड रिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। पर जाएगा वो कूल के अंदर ही, क्योंकि इसके अंदर आपको 3 प्राइमरी आप आपस में मिक्स कर रहे हो, इतना ज्यादा वार्म कलर नहीं होगा, बहुत ज्यादा वाला, ठीक है। तो यहां पर हम 7 स्टॉक 3 7 यूज करेंगे, और हमारा जो मिक्सिंग रेशियो रहेगा वो रहेगा 1:1,
क्योंकि हम केपी की कलर ट्यूब यूज कर रहे हैं, तो केपी का जो भी हमारा मिक्सिंग रेशियो रहता है, ये कंपनी कहते हैं कि हमारा 1:1 रहेगा। तो 1:1 मिक्सिंग रेशियो कर रहे हैं 10 वॉल्यूम के साथ, और जो हमने उस दिन प्रीलाइट किया था बालों पे, उसी के बालों पे हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। सॉरी, 10 वॉल्यूम हमने नहीं लिया, तो हमने जो वॉल्यूम लिया है हमने थोड़ा सा डार्क में लिया है, ठीक है। मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है वैसे, हमने 6 वॉल्यूम लिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये 6 वॉल्यूम कहाँ से आ गया। 6 वॉल्यूम लिया है जो होता है 1.9%, ठीक है, वैल्यू के अंदर आता है ये कलर टच में, जो 6.9 होता है। और ये हम इसको यूज कर सकते हैं जब हमें थोड़ा सा डार्क टोन देना है, डार्क की तरफ जाना है, जब हम इसको यूज करते हैं। अगर आप 10 वॉल्यूम से भी करोगे ना तो चलेगा, अगर आपके पास 1.9% नहीं है चलेगा, ठीक है। तो जो हमारा हेयर है ये, और ये आप देख सकते हो किस लेवल पे होगा, तो बताओ, पहले से थोड़ा लिफ्टिंग हुआ है, किस लेवल पे ये हमारा हेयर। नाइन लेवल नहीं है ये, इसमें आपको ऑरेंज टाइप का कुछ नजर आ रहा है। इसमें देखो, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें हल्का हल्का सा ऑरेंज भी नजर आ रहा है। तो 8 लेवल का अंडरकोट क्या होता है, येलो होता है, ठीक है। तो हमारा प्रॉपर येलो ऑरेंज भी नहीं है, तो हम इसको आप मान सकते हैं 7 और 8 के बीच में है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर 7 है ना, प्रॉपर ये 8 है, क्योंकि 8 का अंडरकोट होता है येलो। तो हम इसको 7 और 8 के बीच में हम इसको ले सकते हैं। तो कुछ आप इसको 8 नंबर मान लेते हो, तो 8 नंबर ये नहीं होता, पर 8 नंबर का अगर आप इस पर कलर करोगे ना, वो आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको मैं बोल रहा था ना 8.31, आप कह रहे थे कि 8.31 क्यों लिया, 8 पे तो अंडरकोट ही वो होता है, येल्लो होता है। तो यहाँ पर हमें कभी कभी ऐसे ही ऑरेंज सा मिल जाता है, तो अगर हमें कभी ऑरेंज को भी कट करना है ना, तो हमें उसको यूज करना पड़ता है। 10 होगा बिल्कुल ही, उसमें हल्का सा भी आपको ऑरेंज वगैरह कुछ भी टोन नजर नहीं आएगी, सिर्फ आपको गोल्ड की नजर आएगा। वो भी एक दिन करके दिखाऊंगा जब हम क्रेजी कलर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा मिक्सिंग रेशियो है वो है 1:1। और कभी भी आप मिक्सिंग करते हो तो आपको मेजर स्केल के साथ करना है, अंदाजे से आपको नहीं डालना। अभी भी मैंने 2-3 ग्राम ही लिया है मैंने कलर ट्यूब, फिर भी मैंने मेजर स्केल के साथ ही किया। कभी भी आपको कलर डिपॉजिट करना होता है, आप 10 वॉल्यूम यूज कर सकते हो, या फिर 1.9% यूज कर सकते हो। कब करना है, जब आपको थोड़ा सा डार्कर पे जाना है, ठीक है, कोई आपको अनवांटेड टोन जो होती है उसको कट करना है, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो डार्क। वहीं पर ही अगर आपको थोड़ा सा लाइट दिखाना है तो आप 20 वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो, तो 20 करो चलेगा। अगर आपका हेयर ज्यादा लाइट हो गया है, जैसे आपको कलर करना था, इस पे हम कलर कर रहे हैं 7 लेवल का, और हमारा जो हेयर है वो किस लेवल पे पहुंच चुका है, 8 लेवल के आसपास, ठीक है। तो अब हम कौन सा वॉल्यूम यूज करेंगे, 1.9% या फिर 10% भी कर सकते हो। वहीं पर अगर हमारा ये 7 लेवल पे ही होता तो अब हम कौन सा करते, 20 भी कर सकते थे, ठीक है। तो हमारा हेयर लाइट हो चुका है, प्री लाइट हमने किया, तो हमारा हेयर 7 से ज्यादा लाइट हो गया है, तो हमें थोड़ा डेवलपर जो होगा, ऐसा डेवलपर यूज करना है जो जल्दी से डिपॉजिट करे हमारा हेयर, अच्छे से उसमें जो कलर है उसमें आ जाए। तो अब हम यूज करेंगे 1.9, वहीं पर अगर हमारा सेम लेवल होता वहां पर हम यूज करते 20 वॉल्यूम। तो ये चीज क्लियर हुआ ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने सुना है कि 20 वॉल्यूम से भी डिपॉजिट कर सकते हो और करने लग जाते हो, नहीं, आपको लेवल चेक करना है।
यहीं पर ही अगर मैं इसको 20 वॉल्यूम से करूंगा ना, जो मेरा ये कलर है ना वो अच्छे से नहीं दिखेगा, और यहीं पर ही अगर मैं 1.9% से कर रहा हूं तो ये कलर प्रॉपर आएगा। जब भी आप कलर को डिपॉजिट करते हो, और दूसरा एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे हमें करना था 7.7 स्टॉक 3 7 करना है, तो 7 स्टॉक 3 7 जो आप कलर कर रहे हो, पहले हमने क्या किया, प्रीलाइट किया। प्रीलाइट क्यों किया, क्योंकि हमारा जो ये हेयर है या फिर वर्जन नहीं है या फिर कोई कलर यूज करा हुआ है, इसलिए हमने पहले क्या किया, प्रीलाइट कर दिया बालों पे। 7 लेवल पे प्रीलाइट करने के बाद आप कोई भी कलर लोगे उसके ऊपर आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है, डिपॉजिट जरूर करना, आपको ऐसे नहीं छोड़ना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, कलर को डिपॉजिट, आप देख रहे हो जैसे मैंने बालों पे कलर लगाया, साथ के साथ इसमें कलर आना स्टार्ट भी हो गया, साथ के साथ। इसका जो टाइमिंग रहता है ये आपका रहेगा 20 मिनट, ठीक है, 15 से 20 मिनट रहता है, 15 से 20 मिनट में आपका प्रॉपर कलर आ जाता है। इससे ज्यादा आपको नहीं रखना है, आपका हेयर जो होगा डार्क की तरफ चला जाएगा। तो आप देख रहे हो साथ के साथ मेरा कलर भी आ चुका है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बोला था उसी वैसे ही कलर आएगा, और इसमें गोल्ड थोड़ा सा ज्यादा नजर आएगा, ठीक है, ब्राउन ही नजर आएगा पर गोल्ड इसमें ज्यादा नजर आएगा। तो किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए। इसको हम रखेंगे 20 मिनट, तो आप भी टाइम नोट कर लो, मुझे आप बता देना। कलर कितनी देर में डिपॉजिट करना है, देखो आपको कलर की ना, जब भी आप कलर डिपॉजिट करते हो ना, थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ाना है। अगर आप कलर टच कर रहे हो ना, वहां पर आप थोड़ा टाइम भी रखोगे कोई बात नहीं, क्योंकि कलर टच ना, इसको हम अगर हम 30 मिनट भी रखेंगे ना, तो वो अपना कलर वही देने वाला है, ठीक है। तो कुछ जो कलर्स होते हैं जैसे मैजिल हो गया, ठीक है, जैसे केपी हो गया, हाँ ये सॉरी केपी का कलर है, तो इसको हम, हमारा जो इसका टाइमिंग होता है 30 मिनट होता है, 30 मिनट से अगर हमने ज्यादा रखा ना इसको, तो हमारा जो कलर होगा ना लाइट भी हो सकता है, ठीक है, या फिर डार्क भी हो सकता है। तो फिर भी हम कलर को कभी भी डिपॉजिट करते हैं उसको हम 20 मिनट ही रखेंगे, और जो एप्लीकेशन का टाइमिंग होगा वो आप थोड़ा सा फास्ट करोगे, जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना फास्ट ही आप करो। दो जने मिलके करें, ठीक है, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आप दो जने मिलके भी करना है। चलो मैं सबको धीरे धीरे करके अनम्यूट, सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, तो जिसका भी जो डाउट है वो पूछिए और टाइम नोट कर ले जरूर। सर आपने इसमें डेवलपर कौन सा डाला, बताया ना 1.9% डाला है। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हो सर। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पहले ही इसमें येलो भी है एडिशनल, मतलब अलग से, और 7 में भी कहीं ना कहीं येलो है, तो ये ज्यादा कहीं ना कहीं वार्म में नहीं होगा शेड, क्योंकि उसमें केवल ऐश ही है जो कूल है। हाँ, आपका जो उनका कलर होता है जब आप रेड येलो ब्लू को मिक्स करते हो तो क्या बनता है, ब्राउन बनेगा। ब्राउन बनता है, हाँ जी, ठीक है। हाँ, 7 लेवल पे ब्राउन जरूर बनेगा, पर आपका उसके अंदर गोल्ड भी ऐड हो गया, तो आपका यहाँ पर वार्म शेड होगा पर थोड़ा सा ब्राउनिश की तरफ होगा। एक तो होता है कॉपर वाला ब्राउन, कॉपर वाला वार्म कलर, वार्म कलर तो है, मतलब इतना ज्यादा वार्म नहीं होगा, ठीक है। सर बोर्ड पर जिस पर आप एप्लीकेशन कर रहे थे उसे क्या कहते हैं, किस चीज को, जिस बोर्ड में आपने वो क्लिप लगा रखी थी, ये हाइलाइटिंग बोर्ड होता है या बलियाज बोर्ड कह सकते हो आप इसको। भाई क्या ली तुमने, कंपनी का सेम है, मोनो को भेजिए एक मिनट होता है सर। हेलो सर, हेलो, हाँ बोलिए 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 सर। सर हम एप्लीकेशन करने के बाद में टाइम कैलकुलेट करते हैं क्या,
हाँ एप्लीकेशन होने के बाद ही आपको नोट करना है। तो सर अगर डेंसिटी ज्यादा रही बालों की तो फिर क्या होगा सर? कोई जो भी टाइमिंग है आपका एप्लीकेशन के बाद रहेगा, चाहे आपको जितना मर्जी टाइम लगे। Okay. सर आपने जो 7 नंबर के हेयर पे लगाया है कौन सा कलर है सर? ये आगे लिखा हमने 7 Stock 3 7। ठीक है सर। हेलो सर, जो बोलिए करने का कोई टाइम टाइम एप्लीकेशन देखो आप कम से कम 15 मिनट के अंदर कर लो, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के अंदर आप एप्लीकेशन खत्म करा दो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो सर। आपने बोला कि जब हम कलर अप्लाई करते हैं तो 20 मिनट तक ही उसको डिपॉजिट करके रखना है, 20 मिनट के बाद वो या तो लाइट हो जाएगा या डार्क हो जाएगा। सपोज करो मैंने 6 point something कलर किया है, लेकिन कंपनी एंड से जब हमारे पास टेक्नीशियंस आते हैं, चाहे वो मैट्रिक्स के हों चाहे वो लॉरियल के हों, तो उनको ये कहना होता है कि हमारी ट्यूब की टाइमिंग जो है 40 मिनट है या 45 मिनट है। जब उसके ज्यादा भी एक्सेस में लगा रहता है ना, कई बार हम बाल्याज करते हैं, फॉल्याज करते हैं या कोई हाइलाइटिंग ट्रिक्स करते हैं, क्लासिक हाइलाइट करता हूँ कोई भी, जब 45 मिनट्स तो अमूमन लग जाते हैं, आराम से लग जाते हैं। जब आपने 50 से 60 स्टैंड्स लगाए होते हैं तो अमूमन लग जाते हैं। तो उनका कहना ये होता है कि 45 मिनट्स के बाद भी अगर कलर लगा रह जाए तो कलर अपना वर्क करना बंद कर देता है। वो आपका डायरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम ब्लीच करने के बाद कलर डिपॉजिट करते हैं। नहीं नहीं सर, मैं ब्लीच करने के बाद ही बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ। डायरेक्ट का तो एक बात हो गया ना, जब ब्लीच करने के बाद, जैसे सपोज करो मैंने 3D कलर करना है तो मैंने एक स्टैंड के ऊपर हाइलाइटिंग की है, हाइलाइटिंग करने के बाद मैंने उसको खोल दिया है रैप पेपर को, फिर उसके बाद मैंने कलर डिपॉजिट किया, फिर मैंने सेकेंड हाइलाइट खोला है उसके ऊपर मैं दूसरा कलर डिपॉजिट कर रहा हूँ, तीसरा, क्योंकि उसको करते मैं आपको बता रहा हूं, आपको टाइम लग जाता है, ठीक है। हाँ जी देखो अब यहाँ पर आपका टाइमिंग लगेगा, पर यहाँ पर आपका ये भी रहता है कि आप कलर कौन सा कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपका ये भी रहता है कि आपको लेवल कैसे लेना है। अभी मेरे को डार्क करना था, मुझे डार्क पे जाना था, तो आप यहाँ पर ऐसे यूज कर रहे हो, एक कलर डार्क यूज कर रहे हो, एक कलर आप लाइट कलर यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम कौन सा लिया है, 1.9% लिया है। तो जब आपको कुछ ऐसा कलर डिपॉजिट करना ना जो जो आपको डार्क में दिखाना है, वो आप 1.9% से करोगे या फिर 10 वॉल्यूम से करोगे। वहीं पर ही अगर आपको कोई कलर लाइट में दिखाना है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा लाइट की तरफ लेके जाना, आपने जैसे एक सेक्शन डार्क किया और एक सेक्शन आपको लाइट करना है, तो वहां पर आप 20 वॉल्यूम यूज करोगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जो कलर होगा ना वो डार्क की तरफ नहीं जाएगा। और आप कह रहे हो कि कंपनी का टाइमिंग जो रहता है वो रहना चाहिए। देखो एस जो कलर आपने देखा होगा, एस में अगर आपने हल्का सा भी टाइमिंग ज्यादा फालतू रख लिया ना, बल्कि एस कलर में तो 5 मिनट होता है, कभी कभी 10 मिनट होता है, कभी कभी इससे भी जल्दी आ जाता है, वहां पर आप 35 मिनट रखने लगे तो आपका बहुत ज्यादा डार्क में चला जाता है। आपने कभी नोट किया होगा एस कलर किया आपने कभी? मैं म्यूट कर दिया सबको। सर मेरा एक क्वेश्चन है, एस कलर क्या इनको है, आपने कभी एस कलर किया होगा ना, उनको आप एग्जांपल भी दे सकते हो। जब हम एस कलर करते हैं तो अगर हम उसको ज्यादा देर के लिए छोड़ेंगे वो क्या जाएगा, वो डार्क की तरफ तो जाते ही, ठीक है, तो हमें वो चीज तो देखना है ना, वो डार्क की तरफ ना जाए। तो यहाँ पर हमारा 30 मिनट लास्ट होता है, 30 मिनट से आपको ज्यादा नहीं रखना है एप्लीकेशन करने के बाद, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं कलर टच की बात करूं ना, तो कलर टच आप यूज कर सकते हो, ये डेमी परमानेंट कलर्स होते हैं। कलर टच को आप चाहे 1 घंटा भी रख लो ना, 1.5 घंटा भी रख लो, वो आपका वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। वहीं पर ही अगर आप यहाँ पर अमोनिया कलर ट्यूब्स ले रहे हो, वो आपका लाइट करेगा, वहां पर कंपनी नहीं कह सकती कि आप एक ही टाइम रखो। सर प्री लाइट में ओला प्लक्स या स्मार्ट बॉन्ड कितनी मात्रा में डालना चाहिए? कितना डालना, इसका ना मैक्सिमम रेशियो होता अलग अलग, ठीक है, उसका पूरा मैं थ्योरी आपको बताऊंगा। सर मतलब जो ऑयल बेस कलर होते हैं, अगर इनको मतलब डिपोजिशन में अगर यूज करते हैं हम लोग, तो अगर मान लो 20 मिनट 30 मिनट हो गए, अगर ज्यादा रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं लाइट हो जाएंगे, आप ये कह रहे हो? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ना, हाँ जी, आपका जो कलर होता है ना वो अलग अलग आने लग जाता है। जैसे आप यहाँ पर
1.9% के साथ कर रहे हो ना, कम वॉल्यूम के साथ कर रहे हो ना, ये जितना इतना ही जल्दी डिपॉजिट होता है, ठीक है। और वहीं पर ही अगर हम यहाँ पर लाइट डेवलपर यूज कर रहे हैं, और वहीं पर ही आप अमोनिया कलर ट्यूब यूज कर रहे हैं, जैसे मैजिकल का हो गया, ठीक है, जैसे केपी का हो गया, तो ये हमारा क्या है, अमोनिया कलर ट्यूब है। तो ये जो हमारा आपने देखा होगा जब आप बालों पर लगाते हो तो आपका लिफ्टिंग भी करता है ये, आपका हर एक 10 मिनट के बाद कुछ अलग कलर आता है निकल के, ठीक है। और यहीं पर जब हमने आपको ये चीज जैसी लगाया था ना, जैसे मैंने लगाया था एकदम सेम एकदम से कलर आ गया था, आगे था ना। अगर मैं इस वाले कलर को, डेमी परमानेंट कलर्स को, अगर मैं यहाँ पर 1 घंटे भी रखूंगा ना, 1.5 घंटे भी रखूंगा तो सेम कलर रहेगा। पर वहीं पर अगर आपका अमोनिया कलर ट्यूब्स होता है ना, वो आपका टाइमिंग के ऊपर होता है, जितना आप कम टाइम रखोगे उतना आपका थोड़ा कलर जो होगा वो लाइट की तरफ होगा, जितना आप ज्यादा रखोगे, जैसे आपने मान के चलो हमने 10 मिनट रखा है, तो 10 मिनट में आपका जो मैजरल होता है वो आपका कलर आता भी नहीं है 10 मिनट में, कम से कम 15 मिनट ले लेता है, 20 मिनट में ले लेता है, ठीक है। वहीं पर ही अगर आप यहाँ पर मैजरल को ही या फिर कोई अमोनिया कलर ट्यूब का आप रखोगे 1-1 घंटे, तो वो आपका कलर कहाँ जा रहा है, डार्क की तरफ ही तो जा रहा है ना। तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, कलर आपको कलर चाहिए था लाइट कलर, और आप जा कहाँ रहे हो, डार्क की तरफ जा रहे हो। अगर आप वहीं पर ही डार्क कलर चाहते हो तो आप ज्यादा देर के लिए रख सकते हो, ठीक है। अगर वहीं पर आप अगर लाइट कलर चाहते हो तो आप कम रखोगे, वहां पर कम टाइमिंग रखोगे, मतलब 30 मिनट में आपको एक बता रहा हूं कि 30 मिनट एंड है एप्लीकेशन करने के बाद, 30 मिनट से ज्यादा तो रखना ही नहीं है, ठीक है। डेमी परमानेंट कलर जो होते हैं उसके लिए आप 20 मिनट रखो लास्ट, और जो आपका अमोनिया कलर ट्यूब्स होती है उसको आप 30 मिनट रखो लास्ट। और किसी का कोई डाउट है, और मुझे इसका टाइमिंग जरूर बता देना जब आपका ये टाइमिंग हो जाएगा इसका। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम ज्यादा क्वांटिटी में हाईलाइट करते हैं तो फिर वो क्या होता है ना कि डिपॉजिट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो क्या 10 वॉल्यूम से हम स्पॉट शेयर पे पूरे बालों में डिपॉजिट कर सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, इसमें शेप चेंज अगर नेचुरल हेयर होंगे इतना ज्यादा लिफ्टिंग तो होगा नहीं उसमें। नेचुरल हेयर पे मतलब आप ब्लैक कलर ट्यूब की बात कर रहे हैं फिर डिपॉजिट की बात कर रहे हैं? डिपॉजिट की बात कर रही हूँ सर, जैसे हमने अगर समझो 50 या 60 स्ट्रेंथ किए हैं हाईलाइट, और हम डिपॉजिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना सेम टाइम में, तो फिर हेयर लाइक फिर हम स्पा चेयर पे डिपॉजिट कर सकते हैं क्या पूरे बालों में लेके? पूरे बालों में आपको सेक्शन बाय सेक्शन ही करना है, तो टाइमिंग तो आपको उतना ही लगेगा ना एप्लीकेशन करने अगर डायरेक्ट करेंगे पूरे बालों पे तो कहीं ना कहीं वो पैचिंगस आ जाएगी, फिर रूट्स वाले एरिया कवर नहीं हो पाएंगे। एक साथ तो आपको करना नहीं है ना, आपको सेक्शन बाय सेक्शन ही करना, वही सेम रहेगा। मैंने किया था इसलिए याद है। करना है मतलब पूरे बालों पे नहीं कर सकते ना, वही मैं पूछ रहा हूं। पूरे बालों पे तो कभी भी नहीं करना एक साथ, होने को तो हो जाएगा बट पैची आ जाएगा, हो जाएगा। देखो वो फॉरन में जो करते हैं ना कलर पूरा शैम्पू चेयर पे रूट टच भी कर देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, पर वो ये इंडिया है, ठीक है, थोड़ा सा उस लेवल तक हम नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चेयर के ऊपर करना है और 50% ड्राई करें, ठीक है। जितना आप बालों को गीला रखोगे ना उतना कलर आपका जल्दी फेड होगा, मतलब निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको कलर को ना ज्यादा टाइम तक रखना बालों पे, तो मैं ये बोलूंगा कि आप बिल्कुल भी ड्राई ना करो और बिल्कुल भी गीला मत रखो, 50% बालों को ड्राई करो, 50% बालों को आप 50% बालों पे आप यहाँ पर कलर डिपॉजिट करना, ठीक है। तो ये वाला जो कलर होगा ना 50% पे करोगे तो ज्यादा टाइम तक चलेगा। और दूसरा एक चीज और, अगर आप वर्जन हेयर पे काम कर रहे हो और वर्जन हेयर पे आपने फिर भी प्री लाइट किया क्योंकि आपको लिफ्टिंग ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो आपको मैंने बोला था अगर 4 नंबर का हेयर है तो 4 नंबर के हेयर पे आपका 20 वॉल्यूम कितने लेवल तक लिफ्टिंग करता है बताओ चैट बॉक्स में। 102 लेवल लिफ्ट कर देगा, 102 लेवल लिफ्टिंग करता है ना। तो अगर आपने ट्री लाइट किया है और वहीं पर ही आप 20 वॉल्यूम से कलर डिपॉजिट कर रहे हो और 50% बालों को ड्राई करके, तो आपका क्या हो सकता है, आपका बेस भी चेंज हो सकता है। क्लाइंट का जो 4 नंबर का हेयर था या फिर 5 नंबर का हेयर था वो डेवलपर क्या कर देगा। हाँ तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना है, वहां पर आप 20 वॉल्यूम की जगह 1.9% यूज करोगे, चाहे 50% बालों को ड्राई कर लो वहां, ठीक है।
वहां पर आपको डेवलपर थोड़ा कम लेना पड़ेगा। सर 10 मतलब 21 वॉल्यूम ले सकते हो वहां पे? हाँ 10 वॉल्यूम भी ले सकते हो, पर 10 वॉल्यूम भी ना अगर आपका लाइट हेयर ना 5 नंबर का वो भी एक लेवल कर देता है, और हाई लिफ्टिंग कलर टू जैसे कर रहे हो, जैसे आप 12.1 कर रहे हो क्या ना, यहाँ पे लाइट कलर तो कमी है ना इंडिया में, 5 नंबर के हेयर तो कमी है। नहीं कर देता है सर, कर तो देता है लेकिन कम है, जहाँ यहाँ पे 5 नंबर के हेयर बहुत कम है। हाँ पर हो जाता है ठीक है, जैसे 12.1 हो गया, 11 हो गया, ये आपका हाई लिफ्टिंग कलर ट्यूब्स होता है ना, ये तो 4 नंबर पे भी लिफ्टिंग कर देता है। कर देता मैं ये ना, हम जब ब्रांच की नॉलेज आपको बताऊंगा ना वेला की, तो मैं आपको बताऊंगा, ये सिर्फ आपका डिपॉजिट के लिए यूज होता है, डार्कर के लिए यूज होता है। सिक्स वॉल्यूम में जो आपका परसेंटेज होता है ऑक्सीजन का परसेंटेज, वो होता है 1.9%। ठीक है, ये आपको यूज करना है सिर्फ आपको डिपॉजिट के लिए, कोई भी कलर को आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो आपको यूज करना है, जब आपको लाइट से डार्क की तरफ जाना है तो आपको यूज करना है। ठीक है, जैसे आपने किसी हेयर को बहुत ज्यादा लाइट कर दिया, आपसे गलती से प्री लाइट हो गया 2 लेवल लाइट, तो अब जैसे मेरा ये हेयर था, अब मुझे 7 लेवल का कलर करना था, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, 1-2 लेवल मैं ऊपर का कलर डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ये थोड़ा सा जल्दी फास्ट और डार्कर कलर देगा, तो जब भी आपको डार्कर की तरफ जाना होता तो आप 1.9% यूज करोगे। ग्रे कवरेज नहीं करेगा ये, ग्रे कवरेज के लिए यूज नहीं करना। एक बार मुझे ये बताएं कि टाइमिंग हमारा कंप्लीट हुआ है क्या? फाइव मिनट्स हैं सर, अभी 57 पर होगा। ओके, और किसी को डाउट है अभी? सर मैं एक सर एक बात बताइए, स्पॉस्कोप का भी 10 वॉल्यूम से डालने के बाद 20 मिनट ही करना है या कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं? कौन से वॉल्यूम के सर? अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो कोई भी कंपनी का ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल मैं स्पॉस्कोप का ले लिया, तो सबका सेम ही टाइमिंग होता है सर, 30 मिनट लास्ट रखो और 20 मिनट कम से कम रखो, 15 मिनट कम से कम रखना ही रखना आपको, कम से कम 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा। Okay. सर आपने एक बोला था कि मतलब अगर कुछ कर रहे हैं ऐसे होते हैं, अगर उनको ज्यादा देर तक रखो तो वो लाइट हो जाते हैं, मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, वो मतलब किस चीज में बोला? डार्क हो जाता है, उल्टा बोल दिया। अच्छा डार्क, ओके 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 ओके, कोई नहीं, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो सर, मेरा ये कहना है सर, ये जितने भी हम स्टूडेंट उस पे है ना ग्रुप पे, या आपस में एक दूसरे से डिस्कस तो कर सकते हैं ना, ताकि उनका थोड़ा सा माइंड क्लियर हो। हाँ बिल्कुल किया करो आप, आपके लिए ग्रुप भी बंदा, एक भी बंदा ये थोड़ा बहुत पैसे फालतू करते हैं, लेकिन ऐसा ना सब बंदों को एक दूसरे से ना हेल्प लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। बिल्कुल, जो ज्यादा एक्सपर्ट बंदा है वो थोड़ा सा बता दे एक दूसरे को। ग्रुप में ऐड किया जाएगा 25 डेज के बाद, उस ग्रुप में आपका बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा क्लास, तो आपको एक ऐसा ग्रुप में ऐड किया है, वहां पर तो डेली क्वेश्चन ऐसे से आते रहते हैं। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती रहेगी, और कौन सा डेवलपर यूज करे उसमें। हेलो सर, हेलो हेलो, हाँ बोलो। हेलो सर, मैं एक क्वेश्चन है बेस कलर में, कि अगर 4 नंबर का हेयर है और उसमें ग्रे हेयर है, तो मैंने 4 नंबर का ट्यूब ही यूज करता हूँ, लेकिन जो ग्रे हेयर है वो रेड रह जाता है, वो क्यों होता है? वो हम ग्रे कवरेज का टॉपिक कल करने वाले हैं। सर इसको कुछ तो बता दीजिए सर। 4.00 आप यूज करो, मिट्टी रेशियो 4.00 यूज करो, और भी बहुत सारी गलतियां हो सकती है, तो हम जो कल का टॉपिक होगा पूरा ग्रे हेयर पे,
ग्रे हेयर पे हम काम कैसे करें, ठीक है? तो सारा कुछ हमारा रहेगा, मैक्सिलेशन से लेके सब कुछ। ओ तो भी क्या सर, आप सोरोस्कोप के बारे में भी बताइए ना सर। हेलो हेलो हाँ जी सर, एक मिनट हो जाएगा। हेलो हाँ हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ सर। बोल रहा हूँ कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ वो हमको मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये जो रेड हो रहा है तो क्यों हो रहा है। 100% ग्रे हेयर है तो 70% बेस, 30% रिफ्लेक्शन। नहीं 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 नहीं, ग्रे हेयर 100% नहीं है, 20% है, 30% है, ठीक ना? तो वो रेड बार मेरे साथ भी ये हुआ है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ बोलो। एक बार ये ऐसा मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये क्या करना है, मिक्सिंग रेशियो में प्रॉब्लम आ रही है आपको मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा जी, मतलब क्या चीज में ज्यादा हो जा रहा है, या डेवलपर में या कलर में? आप डेवलपर में प्रॉब्लम दे रहे हो, डेवलपर मेरे डेवलपर डेवलपर आप डेवलपर ज्यादा डालते हो, कलर लाइट आ रहा है। ठीक है, कलर कौन सा कर रहे हैं? कलर सर टाइम हो गया सर, मेरा फोन है। हेलो हाँ बोलिए सर, कई वीडियोस में देखा है ब्लोन हाईलाइट प्रॉब्लम है ना, तो वहाँ पे कलर ये ब्लॉन्डर दो तीनों भी एक साथ डाल के सेम रिजल्ट्स आता है वैसे दिखाते हैं, तो क्या ये सही होता है क्या? क्या क्या डाल के ब्लॉन्डर डेवलपर और ब्लॉन्डर तीनों भी एक साथ डाल के सेम रिजल्ट आता है वैसा दिखाते हैं, तो क्या ये सही तरीका है? नहीं नहीं, आपको कभी भी यूज नहीं करना एक साथ। सर टाइम हैज कंप्लीटेड। हाँ हाँ मैंने वो करा दिया। तो यहाँ पर आपको कभी भी डेवलपर सॉरी कलर ट्यूब डेवलपर जब आप मिक्स करते हो उसके साथ आपको ब्लॉन्डर नहीं मिक्स करना है। मैंने आपको जो हमारी क्लास हुआ था फ्री क्लास उसमें भी समझाया था, यहाँ भी मैं बता रहा हूँ, कभी भी आपको यूज नहीं करना है, ठीक है? वो आपको किसी को भी नहीं पता क्या रिजल्ट आने वाला। और अब हमने जो 7 stroke 3 7 किया है इसको आपको समझ आ रहा है कि हमारा कैसा रिफ्लेक्शन आने वाला है? 7 level का हेयर पता है सभी को कैसा होता है, रेड येलो ब्लू। जब मैं आपको तीनों कलर को जब हमने आपस में मिक्स किया था वो कलर कैसा था? ब्राउन था। और वो ब्राउन कैसा था? थोड़ा सा डार्क में था। तो यहाँ पर हमें ब्राउन जरूर मिलेगा पर 7 level का ब्राउन मिलेगा, ठीक है? 7 level का ब्राउन मिलेगा और गोल्ड आपको थोड़ा वहां पर ज्यादा मिलेगा क्योंकि गोल्ड इसके अंदर ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको हल्का बुल्का रेड भी नजर आएगा, ठीक है? ऑरेंज भी नजर आएगा। ऑरेंज क्यों नजर आएगा आपको? ऑरेंज नहीं आएगा, बहुत कम नजर आएगा ऑरेंज आएगा तो, क्योंकि ब्लू आ गया ना इसमें। तो आपको जो भी नजर आएगा आपको गोल्ड नजर आएगा, गोल्ड गोल्ड के अंदर आपको थोड़ा सा ब्राउनिश में नजर आएगा, ठीक है? तो ये आपको पहचान करना है। ये मैंने आपको कलर ट्यूब बताया, आपको ये चीज इनमें से सबसे मेन चीज देखनी है कि रिफ्लेक्शन कौन सी ज्यादा आने वाली है, उसको आपको फर्स्ट नंबर भी लेना है, ठीक है? यहाँ पर अगर आपको सिर्फ ब्राउन लेना होता ना तो आप 7.7 कर सकते, सॉरी 7 stroke 7 कर सकते थे। 7 stroke 7 क्या आपका खाली ब्राउन है, यहाँ पर आपको वार्म शेड देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अभी हमें येलो वार्म शेड देखने को मिलेगा, 7 stroke 7 में आपको वार्म शेड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वेट हेयर डे, ठीक है? गीले बालों पे अभी हम यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, गीले बालों पे थोड़ा सा डार्क लगता है, जब हम इसको ड्राई करेंगे तो और भी ज्यादा ये लाइट में चला जाएगा, ठीक है? सर स्क्रीन पर कुछ आ नहीं रहा है। हाँ मैं अभी करूंगा, एक मिनट उसको ड्राई कर देते हैं, ड्राई के बाद आपको दिखाते हैं। फिलहाल अभी किसी को डाउट होता है पूछे। सर 1.9 अमोनिया फ्री डेवलपर है, उसके साथ हम लोग कोलेस्टन का कलर मिला सकते हैं? मिला सकते हैं बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन मेरा है कि कलर ट्यूब्स के ऊपर आपने बोला कि आप ब्लॉन्डर वगैरह यूज नहीं करते हैं, लेकिन अमेरिकन टेक्निक के हिसाब से मेरे को 2-3 क्लासेस में ऐसे पढ़ाया गया है या मैंने खुद किया है कि जब हम कलर कर देते हैं, जैसे कोई भी कलर एप्लीकेशन किया हुआ है, तो उसका थोड़ा इफेक्ट और उसको मतलब बढ़िया करने के लिए उसके ऊपर ब्लॉन्डर अप्लाई करते हैं, प्री लाइटनर अप्लाई करते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे कुछ आप? देखो जो वो ब्लॉन्डर होते हैं ना वो ब्लॉन्डर नहीं होते,
ठीक है, वो उस टाइप का कलर होता है, जैसे मैग्मा हो गया वेला के अंदर, उस टाइप का होता होगा। और अगर कोई भी कलर टिप के साथ अगर आप ब्लॉन्डर यूज कर रहे हो तो आप बता सकते हो आपने क्लास भी लिया है तो क्या रिजल्ट आता है उसका, आपको खुद पता चला कि क्या रिजल्ट आने वाला, या फिर जो सिखा रहा आपको उनको पता चल, उन्होंने पहले दिखा दिया था कि ये रिजल्ट आएगा इसका। सर मैग्मा में चार या तीन सीड आता है। हाँ हाँ पहले छह आते थे। क्या सर हम लोग कलर करने के बाद हम लोग से ब्लॉन्डर यूज कर सकते हैं क्या? कलर यूज करने के बाद ब्लॉन्डर करोगे तो क्यों करोगे पहले आप? आपने जैसे कलर पिगमेंट निकल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर ब्लॉन्डर करोगे तो आपने दोबारा से पिगमेंट को निकाल दे, फिर दोबारा से कलर डिपॉजिट भी करना पड़ेगा। कर सकते हो पर कलर दोबारा से डिपॉजिट भी करना है। ओके ठीक है। और सर आप सोरोस्कोप के बारे में भी बताएंगे ना सर? हाँ जी बिल्कुल। हाँ सर, अगर बार बार हम कलर ब्लॉन्डर यूज करेंगे तो ये तो बाल ड्राई होगा ना। हाँ जी, उसके लिए मैंने आपको कलर करेक्शन समझाया था ना थोड़ा बहुत, आपने एक बार देखा भी होगा। कलर करेक्शन में तो मैं शायद नहीं था। हाँ तो वो हमारा टॉपिक आएगा जल्दी, तो उसमें क्लियर होएगा आपका। ठीक है। जिस तरीके से हम यूज करेंगे ना ब्लॉन्डर को तो उससे नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक होते हैं। और सर हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। हाँ सर मैं बोल रहा था, आपने ये कलर करा ना तो ये कितने दिन तक टिकेंगे सर? अभी ये कलर करा आपने 7.3 कितने टाइम था? ये 24 वॉशेस तक रहता है, वैसे इसको परमानेंट कलर्स कहते हैं, पर ये 24 वॉशेस तक रहता है। ठीक है। और उसके बाद जो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो हमारे बालों के अंदर रहता ही रहता है। परमानेंट इसको क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा इसको परमानेंट क्यों बोलते हैं? तो परमानेंट इसलिए मे बी कि पिगमेंट्स तो कहीं ना कहीं रह जाती हैं, प्रॉपर फेड नहीं होता, फेड होता है बट कहीं ना कहीं, इसीलिए है ना, इसलिए हम पिगमेंट्स रह जाती हैं क्योंकि इसके जो लेवल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रहेगा रहेगा। और सर ये कलर का अपन और अपने को बाल पे शेड होना था, अपन क्या कर सकते सर? अपने कलर करे वाले बाल जी समझ नहीं आ रहा अपने कलर करना सर। हाँ जी हाँ जी, अपन ने 7.37 कर लिया, अपन ने वॉश कर दिया तो अपने को उसको थोड़ा और शाइन होना वो बालों को, तो उसमें कुछ क्या कर सकते अपन और शाइन के लिए? उसके लिए आपको मैं कुछ ऐसे बताऊंगा, हेयर केयर प्रोडक्ट जैसे स्टीलन केयर हो गया, इस टाइप के जो होते हैं उससे बालों में शाइन आती है। ठीक है, ये रिजल्ट आपका थोड़ा आपको नजर आ रहा है क्या इसको, या थोड़ा लाइट जलाऊं? सर बोर्ड के ऊपर रख के दिखाइए ना, व्हाइट बोर्ड में। नहीं नजर तो आ रहा है सर, ऑरेंज आ रहा है सर नजर, ऑरेंज ऑरेंज रिफ्लेक्ट आ रही इसकी। हां जी सर, तो प्लीज ब्लैक बोर्ड पे रख, ये हमारे बावर पे है। ठीक है, ये हमारे गोल्ड में है, मतलब इसमें कॉपर जो है कॉपर गोल्ड ब्राउन रिफ्लेक्ट सर, कॉपर में तो कितना है, कॉपर और गोल्ड दोनों की मिक्सिंग का रिफ्लेक्शन आ रहा है। बिल्कुल, इसमें हमारा कौन कौन से कलर थे? गोल्ड था। ठीक है, और जब हमारा गोल्ड ज्यादा है और उसके अंदर हमारा क्या है मिक्स, रेड भी मिक्स है, तो जब हम रेड और येलो को भी मिक्स करते हैं थोड़ा बहुत ऑरेंज भी आना चाहिए है ना, पर फिर भी हमारा इसके अंदर ब्लू भी है, तो ब्लू क्या कर रहा है हमारा थोड़ा हमारा जो कलर था वो हमारा कूल की तरफ भी लेके जा रहा है, उसमें से हमारा थोड़ा बहुत ऑरेंज को भी कट कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा देखो वार्म कलर नहीं है, आपको कभी भी वार्म कलर, मैंने आपको बोला था ना वार्म कलर तो होगा पर ये ज्यादा वाला वार्म कलर नहीं होगा, गोल्ड कलर है इसके अंदर पर एक जो होता ना ज्यादा वाला वार्म नहीं है। तो अगर आपको अच्छे से देखना तो मैं लाइट जला देता हूँ एक और, ठीक है। बाकी सर जब आप इसे फिंगर पर रख रहे हैं ना तब इसका एक्चुअल कलर आ रहा है। तो ऐसे ही आपको कलर करना है, पहले कैसा था और अब कैसा। ठीक है, तो सर ये ज्यादा ड्राई दिखाई दे रहा है या नहीं? हमने हमारा ड्राई इसलिए नजर आ रहा है ना, हमने ब्लॉन्डर तो एक तो पहले अपने कितने टाइम तक हमने
जब से ब्लॉन्डर लगा हुआ था आज ही यूज किया ठीक है। और दूसरा ना हमने इसमें कंडीशनर लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया, तो हमने सीधा कलर डिपॉजिट किया। सर इसके बाद, सर इसके बाद कंडीशनर लगाना है क्या? हाँ वो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा ना जब आपको पता चलेगा। कंडीशनर में आपको सीलन केयर से लेके आपको नंबर टू से लेके बहुत सारी चीजें लगाना होता है। सर मेरे क्वेश्चन टाइमिंग के बारे में बता दीजिए। टाइमिंग के बारे में बता दीजिए। टाइमिंग कैसा समझ नहीं आया मुझे, कैसा टाइमिंग? सर मार्जिनल का टाइमिंग, डीआर राइट का टाइमिंग, डीआर रिचेस का टाइमिंग कितने का? वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जब मैं ब्रांच की नॉलेज स्टार्ट कर रही ना तो टाइमिंग तो जब भी कर रहे ना, हर एक कंपनी का अलग होता है ठीक है। जल्दी आने वाला है, बस आप थोड़ा सा आप इस चीज को समझो कि रिफ्लेक्शन कैसे आने वाली है, कौन सी कलर ट्यूब ले रहे हैं, आपके माइंड में पहले से ही आ जाना चाहिए कि हाँ इसका जो कलर आने वाला है ऐसे आने वाला है ठीक है। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन था कि सर आपने ये फैशन शेयर किया ना 7.37? हाँ जी फैशन शेयर किया है। हाँ मेरा क्वेश्चन था ये फैशन शेड और अपन जब क्रेजी हेयर कलर्स करते सर, जैसे हो गए पूरे ब्लू हो गए पिंक हो गए, तो ये शेड करते ना अपन कलर कटिंग करते और ये कलर करते ना अपन कलर कटिंग करने की जरूरत नहीं होती है फैशन शेड के लिए? कलर कटिंग करने की जब जरूरत होती है जब क्लाइंट को नहीं चाहिए वो कलर। अच्छा चलिए भी मैं एक चीज क्लियर करता हूं, अगर यहीं पर ही मुझे यहां पर ऑरेंज शेड ज्यादा चाहिए होता, यहाँ पर मुझे अभी जो नजर आ रहा है मुझे तो थोड़ा सा और भी ऑरेंज में चाहिए होता, मैं क्या करता इसको, मैं इसको 7 लेवल तक क्या होता है आपका थोड़ा ऑरेंज में आपको नजर आता है ठीक है। वहां पर आपको ऑरेंज में नजर आएगा तो क्या होगा, आपको यहाँ पर ऑरेंज ज्यादा नजर आएगा। अभी हमारा 8 लेवल के बीच में था 7 और 8 के, तो हमारा ऑरेंज जो था वो क्या था पर बहुत कम था, तो इसलिए यहाँ पर कम नजर आया। तो अगर यहीं पर ही हम 7 लेवल पे लेके जाते और फिर हम अगर कलर डिपॉजिट करते तो अलग कलर आता, इससे अलग मिलेगा आपको। वहीं पर अगर हम इसको 9 लेवल तक लिफ्टिंग करते उसके बाद कलर डिपॉजिट करते तो आपको जो ये हल्का फुल्का ऑरेंज भी नजर आ रहा है ना, हल्का फुल्का है ठीक है, ये भी नहीं नजर आता ठीक है। मतलब जितने लेवल आप लिफ्टिंग करोगे वो चीज आपका जो रिफ्लेक्शन है, जो आपकी कलर ट्यूब का जो टोन है वो आपका चेंज होता रहता है, क्योंकि अंडरकोट भी एक तरीके से वो कलर है, जब वो कलर के अंदर कलर मिक्स होता है ना वो आपका कुछ भी बन सकता है। तो वहां पर आपको देखना है जब आपने 9 लेवल तक की लिफ्टिंग कर दिया या फिर 8 लेवल तक की लिफ्टिंग कर दिया, उसके बाद आप ऐसा कलर डिपॉजिट कर रहे हो जिसके अंदर आप सोच रहे हो कि हाँ हमने जो कलर लेना है 7 लेवल का कलर ले रहा हूँ, वहां पर हमारा ऑरेंज अंडरकोट है, वहां पर तो ऑरेंज नहीं है ना क्योंकि आपने 8 लेवल तक लिफ्टिंग की है। तो अगर आपको ऑरेंज नजर आ रहा है तो आपको कट करना, अगर ऑरेंज नहीं नजर आ रहा तो आपको ऐसी कलर ट्यूब लेने की जरूरत ही नहीं है ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझ आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। ओके समझ रहा है सर। कभी कभी कोई ब्लू सैंपल यूज करना तो अपन जो फैशन सेट का सर आपको फेस दिखा दो। मैं आपको फेस दिखाऊंगा जब आपका टेस्ट होगा और अच्छे से क्लियर करोगे। क्या कह रहे हो सर? कभी कभी वहाँ पर पर्पल सैंप या ब्लू सैंप यूज करते हैं वहाँ पे स्क्वार्च कूप का? वो हमें उसलिए यूज करना होता, कभी हमें कोई भी टोन को कट करना होता ना तब करना होता है। जैसे मेरा इसके अंदर ऑरेंज नजर आ रहा था ना, जैसे हमें थोड़ा बहुत ऑरेंज नजर आ रहा था तो अगर हम इसमें ब्लू शैम्पू यूज करते तो वो ऑरेंज निकल जाता, वो नहीं दिखेगा। तो वहां पर अब आपको कोई भी कलर ट्यूब लेनी है तो अब वहां पर आपको ऐसी कलर ट्यूब लेने की जरूरत नहीं है जो ऑरेंज को कट करे, क्योंकि आपने वहां पर शैम्पू यूज कर लिया। सर सिल्वर शैम्पू का यूज कब होता है? सिल्वर शैम्पू आपको वहां पर यूज करना है जब आपको कोई भी जैसे येलो टोन हो गया उस टाइप का टोन हो उसको कट करना है तब। सर फैशन शेड करते हैं अपने को कलर कटिंग करने की जरूरत नहीं होती है? क्या चीज सर? आप लोग फैशन शेड करते हैं ना तो टाइम अपने कलर कटिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो ब्रश चाहिए वो डायरेक्ट डाल सकते हैं, जो कलर चाहिए वो। जब आप ड्रैग करते हैं फिर प्री लाइट करने के बाद डिपॉजिट करते हैं? प्री लाइट करने के बाद
नहीं आपको कलर करेक्शन करना ही करना है, मतलब अगर क्लाइंट को वो टोन नहीं चाहिए, समझ नहीं पा रहे आपके, जैसे आपने कोई प्रीलाइट किया ना, प्रीलाइट करने के बाद आपको जो प्रीलाइट दिख रहा है, जैसे आपको वहां पर दिख रहा है ऑरेंज, अब क्लाइंट कहता है कि मुझे ऑरेंज की रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, तो वहां पर आप ऐसे कलर ट्यूब लोगे जो ऑरेंज को कट कर सके, ठीक है, जैसे 7.1 हो गया। सर एश कलर करना है तो सिल्वर शैम्पू नहीं है तो 9411 यूज करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा? अभी एश कलर आएगा ना धीरे धीरे करके, हम आगे बढ़ेंगे, उसके फॉर्मूले होते हैं कुछ, वो मैं आपको बताऊंगा, उसके अंदर हमें शैम्पू नहीं है तो हमें वॉलेट जो कलर्स होते हैं वो ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है सर। ये अगर हम क्रेजी कलर कर रहे हैं ना तो ग्रीन कलर को कौन से लेवल पे लगाना चाहिए शिफ्ट करने के बाद? ग्रीन कलर तो 8 लेवल पे भी आ जाता है। और वो वो पिंक कलर कौन सा कलर? पिंक कलर थोड़ा सा आपको 10 लेवल तक लिफ्टिंग करना पड़ेगा, 10 लेवल तक ही करना पड़ेगा। सर ये पिंक कलर बनाने का कोई फार्मूला है? क्रेजी कलर प्रीलाइट करने के बाद होता है। कितना एडवांस जा चुके हो आप, इतना समझ आया सभी? सर सर हेलो सर। हाँ जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सर कितने प्रो एडवांस लोग हैं सर ग्रुप में, हमें तो कुछ भी मतलब बहुत पीछे लग रहे हैं सर। वही तो... मैं कह रहा हूँ मतलब मुझसे तो रिफ्लेक्शन भी याद नहीं हो रहे सर। नीलू कौन है? नीलू एक कल्पना सर, कल्पना। हाँ जी हाँ जी वो तो सही है। नीलू व्हाट्सएप ग्रुप पे एक दूसरे से बातें करो, क्वेश्चन सुन सुन के सर चक्कर आते हैं सर में कि बाप रे कब जाएंगे हम इस लेवल पे। चलिए आप एडवांस क्वेश्चन ना पूछिए, ग्रुप में बातें करो, ग्रुप में डालो कुछ भी चीजें, ठीक है? अच्छी बात है सर, अच्छा सीखने को मिलेगा, बहुत एडवांस सर ग्रुप में। सर बोलिए सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे हम 4 नंबर के हेयर को 10 लेवल पर लेके जाते हैं तो उसमें अंदर स्मार्ट मोड या ऑल प्लस डाल सकते हैं हम? बिल्कुल डालना ही डालना है वो तो, या फिर आप उसके बाद अंडर यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सोच को 9.5.1 करना है तो 10 लेवल के बाद ही करूं या फिर 8 नंबर पे ले जाऊं? 9 लेवल पे नाइन लेवल पे लेके जाऊंगा, 9 लेवल का कलर कर देता हूँ, ठीक है जी। अगर आपको वही कलर थोड़ा सा और लाइट में दिखाना तो 10 लेवल पे लेके जा सकते हैं, ठीक है सर। मतलब स्मार्ट बॉन्ड कितनी मात्रा में डालना है मुझे ये बता दो सर। देखो जो हमारा बॉन्ड होता है वो हमारा क्या है, ब्लंडर फ्लैक्स है। हाँ जी तो आपको इसमें नहीं डालना है, ठीक है? कितना डालना है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे ना, अभी फिलहाल तो हमारा कलर टिप्स और डेवलपर ही नहीं खत्म हुआ ना ब्लंडर, तो उसके आगे आगे हम पढ़ते रहे। सर सर केराफाइन का जो ब्लॉन्डर आता है आपने यूज किया है? केराफाइन का जो ब्लॉन्डर आता है यूज तो नहीं किया, बाकी सबका वैसे ही होता। बोलिए क्या है उसमें? एक्चुअली वो थोड़ा सा उसमें ओलाप्लेक्स है कुछ मिक्स है तो वो थोड़ा सा ना ब्लैक कलर में है ब्लॉन्डर, और मैं इसको जब यूज कर रही हूँ ना तो जब मिक्सिंग रेशियो हम मिक्स कर रहे हैं ना तो वो बहुत ऐसे लिक्विड जैसा बन रहा है। तो आपका ना उसमें मिक्सिंग रेशियो थोड़ा कम रखो। मिक्सिंग रेशियो क्या रख रहे हो सर? 1:2 1:1.5 करो आप वहां पर, 1:1.5 में आप मिक्स करो उसमें, तो अब आप देखना, ठीक है? बाकी मैंने केराफाइन का यूज नहीं किया। अच्छा तो सर केराफाइन में वही समझ में नहीं, वो ब्लैक कलर में आया हुआ है उसमें ओलाप्लेक्स मिक्स है तो वो क्या ब्लैक होता है क्या ओलाप्लेक्स? एक बार मैं सर्च करूंगा उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो जस्ट एक वाटरी टाइप का होता दिखने में, उससे कोई चेक उसका कोई मतलब तो कोई नहीं। और ब्लैक का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो ब्लू में होना चाहिए था ना ताकि येलो को कट कर सके। आप ब्लैक कह रहे हो तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ सर वो ब्लैक इसमें आपको पिक भेज दूंगा, मैं देख के सर्च करके फिर आपको। हेलो सर, अब ये सब ग्रुप पे पूछा करो सब लोग एक दूसरे से, ज्यादा क्लियर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बोलो सर। ओलाप्लेक्स में सर नंबर करके कुछ आता है तो कलर में कौन सा नंबर यूज करने का सर? देखिए सबका अलग 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 टाइम पे आपको अलग अलग यूज करना होता है, ठीक है? अब नंबर 1 भी करना तो नंबर 2 भी करना पड़ेगा आपको,
वही मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो इस चीज के लिए, ठीक है। कैसे यूज करना है उसका मिक्सिंग रेशियो रहता है, अगर आप फॉइल पेपर के साथ साथ काम कर रहे हो उसका मिक्सिंग रेशियो अलग रहता है, और विदाउट फॉइल पेपर कर रहे हो तो अलग रहता है। हेलो, चौथी क्लास को ओवर करते हैं हम फिलहाल। मुझे लगता है कि अब तक के सभी के डाउट क्लियर है जितना मैंने आपको पढ़ाया है। ओके ओके सर जी, हमने जितने भी ग्रुप में हम लोग है ना, जितना हमने पढ़ाया ना, सब याद करो एक दूसरे से बात करके, ठीक है, उससे चैट करो, नोट ठीक है, ठीक है। अभी मुझे ये बताया जितना मैंने अभी तक सभी को पढ़ाया है, सभी को क्लियर है? यस सर, क्लियर तो सब है, लेकिन सर थोड़ा सा याद रहता है, थोड़ा सा नहीं रहता है, बराबर है बस ऐसे ही। थोड़ा सा पढ़ाना डेली आपको, डेली 10 मिनट, ठीक है, सर होगा। ब्लॉन्डर के बारे में नोट लीजिए, ब्लॉन्डर की नोट्स होंगी तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो आप भी फिर बोलोगे कि पता नहीं किसने पढ़ाया था, शकल नहीं देखी पर पढ़ लिया। नहीं, मैंने तो देख रखी सर, मैंने तो देख रखी है सर, आपको इंस्टाग्राम पे देख लिया हमने। वरना सोचा कि पता नहीं सर, अभी एक बार आपको शकल दिखाना, दिखाएंगे जल्दी, मेरे दिन दिखाना, बड़ी 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 मूछें हैं, चलो फिर क्लास को ओवर करते हैं, बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन, ऑल राइट सर।